कैसे हो मेरे भाई। तो आज है दिन 190 या फिर बोलो 190 डेज कंप्लीट हो चुके हैं मेरे ब्रह्मचर्य जीवन के। मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल चुके हैं और अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि आप लोग ब्रह्मचर्य स्टार्ट कैसे करो। आज मैंने 190 दिन कंप्लीट किए हैं इस जर्नी में, तो मुझे इसका नॉलेज है कि आप लोग कैसे ब्रह्मचर्य पालन करके बेनिफिट्स उठा सकते हो, जैसे इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस, फेस ग्लो, हाई एनर्जी एंड मैनी मोर। इस वीडियो में मैं बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि ये बात करूंगा कि आप लोग ब्रह्मचर्य या फिर नोफैप स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे करो। इसको मैं आपको 5 लेवल में समझाऊंगा। लेवल 1 होगा जो कि हमारा डे 0 से डे 30 तक होगा। लेवल 2 जो कि हमारा 30 डेज से 90 डेज होगा। लेवल 3 जो कि हमारा 90 डेज से 120 डेज होगा। और ऐसे ही लेवल 4 और लेवल 5 है जो कि हमारा होगा 120 दिन से 150 दिन एंड फाइनली 150 दिन से 180 दिन। और यहाँ तक आपकी पूरी रिकवरी हो चुकी होगी। फिजिकल बॉडी और मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी होगी। आपकी पूरी बॉडी की जो स्किन है एक कमाल का ग्लो होगा उसमें और लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा लेवल 1 की। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस क्या क्या आपको प्रॉब्लम आएगी, उन प्रॉब्लम से फाइट कैसे करनी है, और लेवल 1 कंप्लीट होने के बाद आप कैसा एक्सपीरियंस कर सकते हो। और हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे बेनिफिट्स सेम मिले, पर अप्रॉक्स 80% के आसपास बेनिफिट सेम मिलने के चांसेस होते हैं। तो चलो अब बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 हमारा होता है बिगनर्स के लिए, जो ब्रह्मचर्य स्टार्ट करना चाहते हैं या उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि आगे कैसे बढ़े, या फिर वो लोग जो बार बार रिलैप्स कर देते हैं। लेवल 1 में आपको सिर्फ 30 दिन तक पहुंचना रहता है, तो ये स्टार्टिंग लेवल है। और यहाँ आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो होंगे, पहला चेहरे पे थोड़ी चमक होगी, कॉन्फिडेंस में थोड़ा इंक्रीज होगा, एनर्जी लेवल आपकी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, इंक्रीजमेंट इन टेस्टोस्टेरोन लेवल, इंप्रूवमेंट इन डाइजेशन। तो ये सब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑलराइट ब्रो, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी लेवल 1 पे। फर्स्ट नाइटफॉल, सेकंड हाई अर्जेस, थर्ड फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, मतलब कभी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और कभी कभी एनर्जी बहुत कम होगी। अब इन प्रॉब्लम से आपको फाइट कैसे करनी है और कितना नुकसान देगी ये आपको प्रॉब्लम, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज है नाइटफॉल। इसको कम करने के लिए कभी भी पेट के बल मत सोएं, सीधा लेटने की प्रैक्टिस डालो या फिर बेंड लेट सकते हो, पर स्ट्रेट स्लीप इज बेस्ट। इससे नाइटफॉल कम होगा और जिस रात आपका नाइटफॉल होगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो सकती है। पहले दिन तो बहुत खराब लगेगा नाइटफॉल के बाद और आपके बेनिफिट्स अप्रॉक्स 25% तक डाउन चले जाएंगे। पर जो लेवल 1 पे आपको नाइटफॉल होने से एनर्जी लॉस होगी वो बॉडी 4-5 दिन में बना लेगी, तो डोंट वरी एट ऑल। दूसरी प्रॉब्लम आपको आएगी हाई अर्जेस, और ये लेवल 1 पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आपको रूल नंबर 1 फॉलो करना है, जिसे हम कहते हैं डोंट टच योर टूल, मतलब अपने लिंग को टच नहीं करना है जब भी हाई अर्जेस आए। बंटी बार बार कहेगा कि मेरी घंटी बजाओ, लेकिन आपको घंटी नहीं हिलाना है, वरना लेवल 1 पे आप हार जाओगे और आगे के लेवल 5 तक पहुंचना फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर आता है आपका फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, मतलब कभी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और कभी कभी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी मॉर्निंग में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लग सकती है, लेकिन हो सकता है दोपहर में बहुत ज्यादा ही डाउन फील हो, बहुत ज्यादा सैडनेस हो, फिर वो एनर्जी शाम को या अगली सुबह बहुत ज्यादा हाई हो जाए। तो इसे हम कहते हैं फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। और देखो, लेवल 1 में एनर्जी बॉडी में ज्यादा नहीं होती, तो चलो अब मैं बताता हूँ कि इससे आपको फाइट कैसे करना है। आपको फिजिकल एक्सरसाइज, वर्कआउट और मेंटल एक्सरसाइज, मेडिटेशन पे ध्यान देना चालू करना होगा। लेकिन मेरे भाई, ये लेवल 1 है, इसमें आपकी बॉडी की एनर्जी ज्यादा नहीं होती है, तो आप म्यूजिक सुन के या फिर मूवीज देख के लेवल 1 क्रॉस कर सकते हो। पर ये हमेशा ध्यान रखना, मूवीज में अडल्ट सीन ना हो। ऑलराइट, तो चलो अब थोड़ी सी जनरल बात करते हैं लेवल 1 को लेकर, और लास्ट में मैं आपको समरी दूंगा जिसका स्क्रीनशॉट आपको अपने मोबाइल के वॉलपेपर में सेव कर लेना है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको HD स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको अपने वॉलपेपर पे लगाना है, ताकि माइंड में ये ध्यान रहे कि मैं खुद की लाइफ चेंज करने के प्रोसेस में हूँ और अभी मुझे अपने लेवल्स कंप्लीट करने हैं नोफैप के या फिर बोलो ब्रह्मचर्य के। एक्चुअली ये ब्रह्मचर्य के लेवल है, लेकिन जो लेवल 1 है ये हमारा नोफैप में ज्यादातर आता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि आपको रूल क्या क्या फॉलो करने हैं। देखो ब्रो, लेवल 1 आपका स्टार्टिंग प्रोसेस है जिसमें आप खुद की लाइफ चेंज करते हो, ये स्टार्टिंग फेज है, इसलिए आपको ब्रह्मचर्य के सारे रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, जैसे डेली मेडिटेशन, बुक रीडिंग, डेली एक्सरसाइज एक्सेट्रा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा लेवल 1 पे। लेवल 2 पे कुछ रूल्स मैं बदलूंगा और ऐसे ही लेवल 5 तक रूल्स में थोड़ी थोड़ी चेंजमेंट आएगी, पर ये इतने सिंपल होंगे कि आप सारे रूल्स फॉलो इजिली कर लोगे, क्योंकि एनर्जी लेवल बाय लेवल इंक्रीज होती जाएगी आपके बॉडी में, और फिर आपके जो मेडिटेशन में बैक पेन होता है वो भी बहुत कम हो जाएगा, और जैसे जैसे बॉडी खुद को हील करना शुरू कर देगी, आपकी बॉडी में जब ज्यादा एनर्जी होगी तो ऑटोमेटिक आपके जो फिजिकल और मेंटल लेवल के प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। पर जो रूल्स आपको फॉलो करने हैं उसे थोड़ा
मैं समझाता हूँ। लेवल वन का जो फर्स्ट रूल है वो आपको फुल वेजिटेरियन डाइट फॉलो करनी है, जैसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, घर का खाना। जो चीजें नहीं खानी है वो है नॉन वेज, और फास्ट फूड भी नहीं खाना है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्ट हो फास्ट फूड खाने के तो हाँ धीरे धीरे करके कम कर सकते हो। लेवल वन पे मैंने आपको काफी छूट दे के रखी है क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग डेज है। 30 डेज तक आपको अपने आदतों को सुधारना है, बुरी आदतों को सुधारना है। और दूसरा रूल है जिसमें आपको वीर रक्षा करनी है, जिसमें आपको बंटी की घंटी नहीं बजानी है और ना ही कोई अडल्ट मूवी या सीन देखना है और ना ही एजिंग करनी है। तो ये दो रूल्स हैं जो आपको लेवल वन पे फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं समरी की। जिस तरीके से मैंने लेवल वन डिजाइन किया है इसमें आपको बुरी आदतों को छोड़ना है। और देखो ये सिमिलर है नोफैप से, पर इसमें मैंने ब्रह्मचर्य के कुछ रूल्स ऐड किए हैं जैसे वेजिटेरियन डाइट और वीर रक्षा। पर पूरे तरीके से ये ब्रह्मचर्य भी नहीं है, ये आपका पहला स्टेप है अपनी लाइफ को चेंज करने का। लेवल वन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, इसको कोई भी फॉलो कर सकता है, फिर चाहे वो आपका छोटा भाई हो जो बुरी आदतों में फंस कर अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हो, या आपका कोई दोस्त हो सकता है, इनफैक्ट आप भी हो सकते हो जिसकी लाइफ में इफेक्ट पड़ा हो मैस्टर्बेशन से, पॉर्न से, और लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत हाई लेवल पे हो। पर लेवल 5 तक पहुंचने तक आपकी ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और भरोसा नहीं होता तो अपने प्रिंस भाई के रूल्स फॉलो करके देख लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेवल 2 समझाऊंगा और ऐसे ही हम लेवल 5 तक पहुंचेंगे। और इसके बाद मेरे भाई आपको लाइफ के एंड तक ये चीज याद रहेगी क्योंकि ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने वाला है। और फिर अपने प्रिंस भाई को थैंक्स जरूर बोल देना जब लेवल 5 आपका कंप्लीट हो जाए। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, या एक कम्युनिटी चाहते हो जिसमें आप लोगों से बात करके अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अभी 150 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें वो अपने अपडेट और प्रॉब्लम शेयर करते हैं जिसका सॉल्यूशन उन्हें बहुत जल्दी मिल जाता है। लेकिन मेरे भाई सुनो, ग्रुप में ज्वाइन होने से पहले कुछ चीजें तुम पहले ही समझ लो। जैसे किसी भी ग्रुप मेंबर से अब्यूजिव लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। ग्रुप में वॉइस चैट होती है जिससे तुम अपने एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हो और दूसरों से हेल्प भी ले सकते हो, चैट के जरिए भी और वॉइस चैट से भी। हर एक ग्रुप मेंबर को एक फैमिली मेंबर के जैसे ट्रीट करना, जैसे वो आपका छोटा भाई हो। और बिल्कुल भी उधर हिंदू, मुस्लिम या किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स मुझे ग्रुप में नहीं चाहिए, ना ही कोई लिंक्स आपको भेजने हैं। अगर आपके पास कोई एक ऐसी वीडियो है या फिर कोई फोटो है जो आप चाहते हो कि मैं ग्रुप में शेयर करूं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मेरा पर्सनल टेलीग्राम मिल जाएगा जिससे मैं वो नॉलेज आगे ग्रुप में शेयर कर सकूं। और सिर्फ ब्रह्मचर्य या नोफैप से जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो सिर्फ वही शेयर करना। और अगर तुम वहां एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हुए पाए गए तो फिर मैं आपको ग्रुप से हटा दूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आपको ग्रुप में रहना है तो हर किसी को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करना सीखना होगा और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेवल 2 के बारे में बताऊंगा। ओके ब्रो, लव यू, बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखना।